Audio Jungle. भरने को दर्देसर कहने वालों सुनो, भरने को दर्देसर कहने वालों सुनो, अब कुछ भी हो मैंने ये दर्द सर ले लिया, अब वो निगाहों से बचकर किधर जाएंगे, अब तो उनके मोहल्ले में धर ले लिया। तो इसलिए मैं धरना यहाँ से हटा के अगर नहीं हुआ तो गोपाल जी टंडन के घर के सामने हम 200-300 लोगों की संख्या में बैठ के वही धरना देंगे और भूख हड़ताल करेंगे। इसलिए मैं अंतिम ये मांग कर रहा हूँ कि इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। जय हिंद। दौलतगंज काशी बिहार से कुछ लोगों को हमने कोशिश किया था, कुछ हुसैनाबाद से कोशिश किया है, जैसे दुबग्गा से संदीप मोदी जी, उमेश सिन्हा जी से पूरी टीम लेकर के आ रहे हैं, दुबग्गा से भी कोशिश किया है, विवेक शिवाली जी हमारे जैसे ठाकुरगंज के यहाँ पर मौजूद है, बालागंज के मौजूद है। आसिफ भाई, पीछे हम उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी मानते हैं और लखनऊ के जिला प्रशासन को। प्रदर्शन करने का क्या उद्देश्य? हमारा नाम अजय त्रिपाठी मुन्ना है, हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, लखनऊ उत्तर विधानसभा से आगामी विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दो शमशान घाट महत्वपूर्ण है, नंबर एक भैंसा कुंड, नंबर दूसरा गुलाला घाट। गुलाला घाट के शमशान घाट पर जहाँ आज हम लोग स्वयं मौजूद हैं, जहाँ पर धरना दे रहे हैं, आप पूरे गुलाला घाट पर एक बार टहल करके देख लें। हिंदुओं में पानी की सबसे पहले जरूरत पड़ती है और यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं। सफाई के नाम पर यहाँ पर एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। लैट्रिन यहाँ पर टूटी फूटी है, पूरा शमशान घाट चीड़ छीड़ अवस्था में है। अब आप समझिए, जहाँ पर पानी की व्यवस्था ना हो, जहाँ पर लैट्रिन की व्यवस्था ना हो, जहाँ पर सफाई की व्यवस्था ना हो, ऐसे शमशान घाट पर विकास न करा करके सरकार पैसा कहाँ खर्च कर रही है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से और लखनऊ के जिला प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन से, एलडीए प्रशासन से ये मांग करने के लिए आए हैं कि इस गुलाला शमशान घाट का विकास कराए, यहाँ पानी की व्यवस्था कराए, यहाँ के लाइटिंग की व्यवस्था करावे, यहाँ पर सफाई की व्यवस्था करावे और जितनी भी मूलभूत चीजें हैं गुलाला शमशान घाट पर उसकी व्यवस्था करावे, यहाँ पर संपूर्ण विकास करावे, ये मांग करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर धरने। इसके पहले भी आपने ज्ञापन दिया है, उससे क्या आश्वासन मिला? ये दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हम ज्ञापन दे चुके हैं जिला प्रशासन को, हम नगर आयुक्त महोदय को भी ज्ञापन दे चुके हैं और तमाम यहाँ बैठे हुए आला अधिकारियों को ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर सांकेतिक धरना और ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। इसके बाद भी अगर काम ना शुरू हुआ तो ऐतिहासिक प्रदर्शन करने का काम करेंगे, चाहे जिलाधिकारी कार्यालय पर, चाहे नगर निगम कार्यालय पर या विधानसभा के कार्यालय पर। अन्य समस्याओं के लिए आगे चले और कोई समस्या न रह जाए।